कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का जो गुड लक वाला मॉड्यूल होता है, या बोल सकते हैं गुड लक का जो ऐप होता है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। आपको पता होगा गुड लक ऐप करता क्या है। गुड लक ऐप का जो मेन काम है वो पूरे अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज करने का काम करता है। तो उसी के अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में उसके अंदर होता क्या है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गुड लक के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चले जाना है, चाहे तो आप गुड लक वाली ऐप में भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर में और सॉरी अपने गैलेक्सी स्टोर में भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ से बंद करना है। यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में, गैलेक्सी स्टोर जाने का जाना है मेन्यू में, यहाँ जाना है अपडेट्स में। यहाँ अपडेट्स में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा होगा, गुड लक ऐप का नया अपडेट यहाँ पर आप देखेंगे। इसको कब रोल आउट किया गया, 21 अगस्त 2023 मतलब आज ही के दिन रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर है 2.2.04.65, जिसका साइज है 11.24 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें नए चेंजेस किया गया, यहाँ पर कुछ नया चेंजेस नहीं किए गए। जो भी कुछ बक्सेस होंगे इसके अंदर उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ होती है। देखो ये जो काम करता है ये तो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट में। तो ये अगर सिक्योर चलेगा तो सारी ऐप जो इसके अंदर है वो भी सिक्योर्ड होती हैं और वो भी सही बक्स फ्री होती हैं। जैसा कि मान लो आपने इसको ओपन कर लिया अपडेट करने का, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट अपडेट्स भी आते हैं और सेपरेट सेपरेट इंप्रूवमेंट्स होती है। बट अगर इसके अंदर अपडेट आया तो मतलब कुछ नया कुछ लेटेस्ट अपडेट में उसका, पहले तो आप देख सकते हैं इसका लुक या उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। पहले इसका डिज़ाइन कुछ अलग आता था, अभी कुछ फ्रंट में ऊपर का डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें लाइफ अप में, यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ नज़र आएगा। और अगर यहाँ थ्री डॉट्स में जाएं तो आपको यहाँ पर एक नया दे दिया अपडेट्स ऑल वाला सेक्शन, कि कौन कौन सी इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उसमें कौन कौन से में ऐप में अपडेट पड़ा हुआ है वो सारे के लिए अब यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब मेन बात करें गुड लक ऐप होता क्या है। गुड लक ये जो ऐप है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बोलोगे यार दोबारा बता रहे। गुड लक ऐप क्या काम करता है, कस्टमाइजेशन के लिए काम करता है। कस्टमाइज मतलब कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, होम स्क्रीन को, नोटिफिकेशन स्क्रीन को, क्यूक पैनल स्क्रीन को, अपने वॉलपेपर स्क्रीन को, लॉक स्टार को और क्लॉक फेस को। आप यहाँ देख रहे हैं कितना कुछ है यार भाई, इतना कुछ कर सकते हैं इसके अंदर कि मैं आपको एक एक चीज़ बता नहीं सकता। बट इसकी जो ऐप्स हैं ये सब आपको मिल जाएंगी और इसके अंदर आप उस ऐप्स के थ्रू कुछ कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा बता देता हूँ, छोटे छोटे आपको नए नए फीचर्स इसमें ऐड ऑन करके बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहले होम अप में बताऊँ, होम अप में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपने जो रिसेंट विंडो होती है ना उसको एग्नोइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, आपने देखा होगा आपको रिसेंट विंडो कुछ इस तरह की यहाँ पर मिलती है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ से उसको चेंज कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपने रिसेंट विंडो को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हो गया कस्टमाइजेशन का काम। तो ये काम कौन करता है, गुड लक वाली ऐप। ऐसी अगर और भी मैं आपको कुछ कुछ चुनिंदा चुनिंदा फीचर्स बताऊं, तो अब मैं आपको ले जा रहा हूं इसके लिए यहां पर थीम पार्क में। आप यहां पर अपनी खुद की थीम क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो थीम आप यहां पर क्रिएट कर, चाहे मोबाइल की, चाहे कीबोर्ड की, चाहे क्यूक पैनल की, चाहे आइकन्स की, चाहे अपने वॉल्यूम पैनल की, सब आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए नीचे की तरफ वंडरलैंड, ये क्या करेगा, 3D वॉलपेपर लाने के लिए काम करता है। जैसा कि आप देखेंगे मैंने वॉलपेपर लगा के रखा है, मैं अगर इसको बंद करूं और आप देखेंगे ये जो एनिमेशन आ रहा है ये उसी के थ्रू आता है, तो ये उसका काम करता है। उसके बाद अगर आपको और भी बताऊं और अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर, तो ये की कैफ है, इसमें आप अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो कीबोर्ड का लेआउट है उसको पूरी तरह से कस्टमाइज़ करने के लिए आपको ये मिलता है। मैक योर ऑन कीबोर्ड में जाएंगे तो आप यहाँ पर कीबोर्ड अपना क्लियर क्लिक बना सकते हैं, और यहाँ पर स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड में जाएंगे तो आपको इतने सारे स्टाइल मिल जाएंगे, सब आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें इफेक्ट्स डालना हो इफेक्ट्स डाल सकते हैं, साउंड डालना हो तो यहाँ पर आप साउंड ऑन एड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे लाइफ अप में, यहाँ पर आपको नाइट शॉट, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वो काम आता है। नाइज नोटिफिकेशन स्टोर नोटिफिकेशन के लिए काम आता है। सबसे मेन अब इसमें आता है वन हैंड ऑपरेशन, जैसा कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर जो क्लिक करके स्क्रीन शॉट ले लिया, दिस इज़ अ वन हैंड ऑपरेशन। और मैंने यहाँ नीचे करा, यहाँ पर ये खोल लिया, तो ये सब पूरा वन हैंड ऑपरेशन का ही काम करता है, ये उसी के थ्रू ये काम होता है।
दोस्तों इस अपडेट में इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है और जो भी कुछ छोटे छोटे बग्स होंगे वो सबको यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बट इसमें कुछ नया जो चेंजेस तो नहीं किए गए, मैंने आपको कुछ ऐसे नए ऐसे फीचर्स बताए जो कि इसके अंदर आपको मिलते हैं, और भी अच्छे अच्छे उसमें फीचर्स होते हैं, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में बता दिए। आपको ज़रूर अपडेट करना चाहिए, अगर आप गुडलॉक मॉड्यूल यूज़ करते हैं कोई सा भी इसका मॉड्यूल, तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए ताकि आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।